नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और पिछले हफ्ते की तरह एक बार फिर देश के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कोहली, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका अवेकनिंग इंडिया में। पिछले हफ्ते हमने बात की थी स्वामी विवेकानंद की यात्राओं के बारे में, और इन यात्राओं के सिलसिले को आज के एपिसोड में भी हम आगे बढ़ाने वाले हैं। भागलपुर, अलवर के राजा से मुलाकात जैसी कई बातें डॉक्टर नरेंद्र कोहली ने पिछले हफ्ते आपको बताई थी, और आज आगे की मुलाकातें और खासतौर पर खेतड़ी के राजा का बहुत जिक्र आता है जब भी स्वामी विवेकानंद की यात्राओं के या उनसे मिलने वाले लोगों का जिक्र आता है, तो उनके बारे में भी आज डॉक्टर कोहली आपको बताने वाले हैं। इस यात्रा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक नज़र डालते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन पर। कैसे उन्होंने ये पता लगाया, कैसे इस बात को हासिल किया कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही सत्य को जानने का प्रयत्न करते, बिना जांचे वे कुछ भी स्वीकार न करते। वे स्वयं सदैव सत्यवादी रहे और सत्य की ही शिक्षा देते रहे। उन्होंने सीखा था कि जब तक हम अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए खड़े नहीं होते, तब तक हम उनसे बच नहीं सकते। सर्वत्र एवं सर्वदा उन्होंने साहस का ही प्रचार किया। भारत में अपने भ्रमण के दौरान लोगों की अत्यधिक गरीबी और पिछड़ापन देखकर वे बहुत दुखित हुए। भारत के पतन का वास्तविक कारण जनता की अवहेलना था, ये समझने और डंके की चोट पर कहने वाले पहले धार्मिक नेता थे। हमारी पहली कोशिश भूखे करोड़ों को भोजन और जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना ही है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनमें आत्मविश्वास भरना। स्वामी विवेकानंद ने हमें जीवनदायी संदेश दिया है। उनके संदेशानुसार आप सब में दैवी शक्ति निहित है। अपनी अनंत संभावनाओं, अनंत शक्तियों में विश्वास रखो। उठो, जागो और रुको नहीं जब तक लक्ष्य को न पालो। और सिर्फ बोलते नहीं थे स्वामी विवेकानंद, खुद न सोए और न रुके, चलते रहे और अनवरत यात्राएं करते रहे, देश को समझते रहे। यहाँ पर हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद जब कहते थे कि देश की यात्राओं से वो क्या देख रहे हैं या देश को क्या समझ पा रहे हैं, तो उनका कहना था जनता की अवहेलना की वजह से देश का पतन हो रहा है। कि कहाँ कहाँ उन्हें ऐसा महसूस हुआ, उसके इसी बात को स्पष्ट करने के लिए एक जो सूत्र जो मेरी समझ में आता है, जब जब उनको ये कहा गया कि आपका देश, आपका धर्म, आपकी संस्कृति निकृष्ट है, इसी कारण से तो आपका समाज इस पतित अवस्था में है, ये बात अनेक बार कही गई। स्वामी जी ने कहा कि मेरे समाज के जो दोष हैं उनको मेरे धर्म और मेरी संस्कृति पर मत लगाओ। समाज चूंकि उस धर्म और संस्कृति पर नहीं चला इसलिए पतित है। जो कुछ धर्म ने सिखाया है, जो संस्कृति ने सिखाया है, उस पर चला होता तो ये स्थिति नहीं होती। तो इस चीज़ इसको रास्ते भर चलते हुए, जैसे हम कहें कि वो जयपुर से होते हुए, वहाँ से अजमेर से होते हुए आबू आए हैं, और आबू आकर के वहाँ पर वो एक गुफा में टिके हैं, तो एक व्यक्ति है जो किशनगढ़ की रियासत का वकील है, फैजली, वो उनको मिलता है और प्रभावित होता है उनसे। अब किन कारणों से वो लंबी बात है कि कैसे प्रभावित होता है, लेकिन वो कहता है कि महाराज मुझसे कुछ ले लो, मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ, आप कुछ ले लीजिए। तो बोले कि अगर कोई देना ही चाहते हो तो ये गुफा जो है, वर्षा ऋतु आ रही है, इस गुफा के आगे दरवाज़ा लगा दो। तो उसने कहा कि आप यहाँ क्यों गुफा में पड़े हुए हैं, मैं इतनी बड़ी कोठी में अकेला रह रहा हूँ, आप आइए, मैं आपके लिए अलग से सारा प्रबंध कर दूंगा। हिंदू मुस्लिम का भेद वहाँ भी दिखाई देता है। तो इन्होंने कहा कि उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ रहूँगा तो जो तुम खाते हो, जो पकाता है वही मैं खाऊँगा और वैसे ही रहूँगा। ये वहाँ आ गए और वहीं खेतड़ी के राजा के जो दीवान थे वे आते थे बार बार, फैज अली से मिलते थे सरकारी कामों से, और फैज अली बार बार इनकी चर्चा करते थे। तो वो बड़े हैरान हुए, बोले कि ये कौन आदमी है जो है। तो एक रोज इनके घर आए तो देखा कि स्वामी वहाँ एक सन्यासी कोई लेटा हुआ दोपहर को और सो रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर को सो रहा है, और फिर जब जागे तो अपने उसी में कहिए कि अपनी जो उनकी अवधारणाएं थी उनके अनुसार उन्होंने कहा स्वामी जी कहाँ मुसलमान के घर में पड़े हुए हैं, खाना कभी तो छू जाता होगा। तो स्वामी जी
के विषय में कहा गया कि बिजली की कड़क की आवाज़ में उन्होंने कहा कि तुम शास्त्रों से भी ऊंचे हो गए। शास्त्रों की बात जब वो करते हैं, गीता को जब वो कोट करते हैं कि सबको मोक्ष मिलेगा, सब अंत तक पूर्ण होंगे, उसमें उद्धरण है सारे के सारे कि किस तरह से उन्होंने कहा कि जिसको हीन से हीन मानते हो वो भी वहाँ तक पहुँचेगा। इसलिए दूसरों से घृणा करना बंद करो, दूसरों को छुआछूत और उनको अपने से अलग करना बंद करो। और उन्होंने इस तरह की जब बातें कहीं तो दीवान साहब को लगा कि इनको तो हमारे राजा से ज़रूर मिलना चाहिए, तो बोले कि खेतड़ी के राजा से आप ज़रूर मिलिए, अजीत सिंह से। तो इन्होंने कहा ठीक है मिलेंगे जब कहो। तो निश्चित समय हुआ तो ये अजीत सिंह से मिलने के लिए गए, और वहाँ मज़े की बात ये है कि अजीत सिंह अंग्रेज़ी बोलते थे, इनसे अंग्रेज़ी में बात करते थे। यानी ये विचित्र बात है कि वो उनको इतनी अनुमति दी गई कि वो सामने बैठ के शराब पीता है, क्योंकि सारे राजपूत राजा शराब पीते थे, वो शराब पीता और स्वामी जी उसको मना नहीं करते हैं, उसके साथ मैत्री भाव है। और मैत्री भाव किस तरह का है कि जब ये हुआ कि हिंदी नहीं आती तो पता चला कि वो हिंदी के गीत गाता है, और जब उसने गाया स्वामी जी ने उसके हाथ से हारमोनियम ले लिया और उन्हीं के गीत को इतना शास्त्रीय ढंग से घुमा फिरा के इतनी देर तक इतने लीन होकर के गाए कि जिसका भाव ये था कि मिलने की आशा मरने नहीं, मरण न देत आस मिलन की, कि ईश्वर से हम मिल पाएंगे ये आशा इतनी बड़ी है कि हम मर नहीं सकते। इसको लेकर के उनके साथ वहाँ पर बहुत लंबी कथा है कि वहाँ पर ये रहे उनके साथ। और उसके बाद 3 महीने के बाद जिस समय वापस आए हैं वो खेतड़ी आए तो इनको साथ लेकर के आए। पहला काम ये किया कि महल के सबसे ऊपरी चौबारे पर स्वामी जी को ठहरा दिया। स्वामी जी नहा धो करके जैसे कपड़े सूखने डालते वहाँ कॉपीन डाल दी। राज पंडित बहुत दुखी हुए, जाके राजा से कहा क्या कर रहे हैं महाराज। बोले क्यों क्या हुआ। बोले हुआ ये कि सन्यासी की कॉपीन अगर यहाँ सूखेगी राज लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी, ये मठ बन जाएगा। राजा ने कहा मुझे मठ अधिक प्रिय है राजमहल से, बनने दो इसको। मतलब ये एक ऐसी घटना है जिससे जैसे उनका परिवार भी कांप गया कि रात को उनके कमरे में जाके उनके चरण दबाते हैं, चरण सेवा करते हैं और कहते हैं कि मुझको दीक्षा दीजिए, मैं तो आपका शिष्य हूँ ही, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ चलना है। वहाँ ये देखने की बात है कि भारत को जिस रूप में स्वामी ने देखा, स्वामी ने कहा कि नहीं हर आदमी सन्यासी नहीं बनेगा, तुम प्रजा का पालन करो, तुम राजा हो, तुम्हारा धर्म प्रजा का पालन है, तुमको सन्यास नहीं लेना है। और प्रजा के पालन में क्या शिक्षा, ये पहली चीज़ जो उन्होंने कही। और राजा के महल के ऊपर फिजिक्स की लेबॉरेटरी लगा दी कि पिछला जो हमारा जो ज्ञान है भारत का प्राचीन ज्ञान उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन उसके साथ आगे का मॉडर्न जो आधुनिक ज्ञान है उसको जोड़ना है। इंग्लैंड से मंगा के वहाँ दूरबीन लगाई गई, टेलीस्कोप लगाया गया और उन पढ़ाई की बात हुई। और ये हुआ कि सबको पढ़ना है, अनिवार्य शिक्षा की बात आज हम करते हैं, स्वामी तब कर रहे हैं। और बोले जिन जातियों को तुम लोगों ने रोक रखा है, वर्जित है दारोगा जाति के लिए कि ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उनको पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाओ, उनके बिना गुजारा नहीं होगा। और जो बच्चे खेतों में अपने माँ बाप के साथ काम कर रहे हैं वो स्कूल में नहीं आ सकते, स्कूल वहाँ जाए, वहाँ हमारे सन्यासी जाएंगे और उनको पढ़ाएंगे। खेतड़ी में कुछ दूर निकल गए जंगल में, सबको पता था कि ये राजा का गुरु है। और ये होता था पूछा, राजा पूछ रहे हैं कि कहाँ हैं, तो पता चला कि फलाने पंडित के घर बैठे हैं, उस एक निर्धन आदमी के घर बैठे हुए हैं, कहीं भी। यानी राजमहलों में रहने वाला ये व्यक्ति उन लोगों के पास जा रहा है जिन लोगों ने कभी कल्पना नहीं की। वन में दूर चले गए, वहाँ घेर लिया लोगों ने, ऐसा कहा जाता है, जो बड़ा विचित्र है, मुझे भी आश्चर्य होता है। 3 दिन 3 रात, जैसे कन्याकुमारी के लिए कहते हैं वैसे यहाँ भी 3 दिन 3 रात लोग आते गए, बातें करते रहे, स्वामी जी उनको आशीर्वाद समझाना ये वो सब करते रहे। जब उसके बाद इनको थोड़ा सा अवकाश मिला खाली हुए, तो एक व्यक्ति वहीं आसपास कहीं जंगल में झुग्गी में रह रहा था, वो आया और उसने आके कहा कि स्वामी जी महाराज 3 दिन से देख रहा हूँ आपके भक्तों ने ना आपको खाने दिया, ना आपको सोने दिया, ना आपको पानी पीने दिया, ये कैसे भक्त हैं आपके, आपको भूख नहीं लगी। तो स्वामी ने कहा कि असली भक्त तो तुम हो, वो तो सब स्वार्थी लोग थे जो अपने स्वार्थ के लिए आए थे, असली भक्त तुम हो, तुम लाओ मैं खाना खाऊंगा। उसने कहा महाराज जिस जाति का मैं हूँ उसके हाथ का आप खाएंगे, महाराज को पता लग गया कि राजगुरु ने खाया है तो मेरी चमड़ी उधेड़ लेंगे। उन्होंने कहा नहीं,
तेरे ही हाथ का खाऊंगा और कुछ नहीं होगा तुझे। तो बोला कि मैं आपको अन्न दे देता हूँ, आप पका लीजिए और खा लीजिए, पर मेरे हाथ का क्यों खाना चाहते हैं? बोले मैं अग्नि नहीं जलाने के व्रत लिए बैठा हूँ, मैं आग नहीं जलाऊंगा, पकाऊंगा ही नहीं, तेरे ही हाथ का खाऊंगा। और उसने पका के फिर रोटियाँ इनको खिलाई। राजा को सूचना मिली बाद में ये, और राजा ने उसको बुला के उसके लिए पुरस्कार स्वरूप भूमि दी, भूमिखंड दिया। ये जो दृष्टि है, उनका कहना था कि जब लोगों ने आपत्ति की कि आप राजाओं के घर में जाकर के क्यों बैठते हैं, तो एक अमेरिका में भी उन्होंने ये बात कही थी कि ये सत्य है कि मैं राजाओं के महलों में रात भर सोता हूँ और सुंदरी युवतियाँ मुझे पंखा झलती हैं, ये सत्य है। पर यह भी उतना ही सत्य है कि सड़क किनारे खेत में पेड़ के नीचे सोता हूँ और एक गरीब किसान के घर से आया हुआ भात का कटोरा खा करके पेट भरता हूँ। यानी एक तरफ अमीर से अमीर और दूसरी तरफ गरीब से गरीब, उनमें कोई भेद नहीं। बल्कि वो ये कहते हैं कि एक राजा सुधर गया तो वो अपनी प्रजा के इतने लोगों का हित करेगा। यात्राओं का सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर स्वामी विवेकानंद का एक मजबूत विचार। जिन्हें आत्मानुभूति या ईश्वर साक्षात्कार न हुआ हो, उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा या ईश्वर है? यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना होगा, यदि आत्मा है तो हमें उसका अनुभव करना ही होगा, अन्यथा विश्वास न करना ही भला है। ढोंगी होने से स्पष्टवादी नास्तिक होना अच्छा है। फिल्मों का वो दौर जिसने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी, कलाकारों की बेहतरीन अदायगी, दिलों को छू लेने वाली कहानियां, संगीत का बेमिसाल जादू, निर्देशन की बारीकियां, वो गौरवमय फिल्मों का इतिहास। देखिए फिल्मोत्सव हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर अवेकनिंग इंडिया में आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद की यात्राओं के बारे में देश के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली हमें लगातार बता रहे हैं। और डॉक्टर कोहली ने ब्रेक से पहले बताया था कि किस तरह से खेतड़ी के राजा के साथ उनकी मुलाकात हुई, या हमने देखा छुआछूत के खिलाफ किस तरह से स्वामी विवेकानंद खुद एक आदर्श पेश कर रहे थे। इसके बाद यात्रा कहाँ जाती है और वहाँ पर क्या देखते हैं स्वामी? खेतड़ी छोड़ने से पहले एक छोटी सी घटना कि जब राजा 3 महीने के बाद आए थे तो सब लोग उनको उसको सलाम पूछना कहते हैं, उनके कर्मचारी आकर के सलाम करते हैं। उन्हीं में एक नर्तकियों का जब दल जा रहा था तो मैनावती ने ये कहा, एक उन्हीं में से एक सदस्य थी, कि मैं एक भजन सुनाऊंगी। स्वामी उठ के चल दिए कि गणिकाओं के भजन सुनने के लिए सन्यासी नहीं बैठता। राजा ने पकड़ के उसने भी कहा कि महाराज आपके लिए गा रही हूँ, और राजा ने भी इनको पकड़ करके कहा कि नहीं अच्छा गाएगी। और उसने गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बदिक धराओ, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो, सबको कंचन करो। और स्वामी जी ने सुना, उठे और जा करके मैनावती के पैर छू लिए और कहा, ज्ञानदायिनी माता, ये संबोधन था उनका, ज्ञानदायिनी माता, मैं अपने को वेदांति मानता था, वेदांति क्या होता है ये तो तुमने बतलाया। वेदांत क्या है? ये शरीर, स्त्री पुरुष, ये तो शरीर है, आत्मा तो निर्लिंग है, और वेदांत मानता है कि वही आत्मा सब में है। तो मैं ये जो भेदभाव कर रहा था ये मेरी भूल थी, अब मुझे तुमने ये ज्ञान दिया है। यानी इस सीमा तक एक कहिए विनीत भाव, इतना ऊंचा सन्यासी इस सीमा तक विनीत होकर के चरण छू करके ये स्वीकार कर सकता है, मुझे लगता है कि ये उनके चरित्र की बहुत बड़ी बात। और कहते हैं तुमने सिखाया मुझे, हो सकता है मैनावती के तो मन में ये बात भी नहीं रही हो। उसके बाद हम यदि आगे चलते हैं, खेतड़ी को छोड़ करके चलते हैं, गुजरात में उनका प्रवेश होता है, कई छोटी बड़ी जगहें हैं, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण घटना लिंबड़ी में, कहीं खोज रहे थे, जैसे अलवर में साधु बासा खोज रहे थे तो एक मठ मिला,
और वहाँ इनको बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, वहाँ रखा गया और धीरे धीरे इनको ये मालूम हुआ, वो विस्तार की बात है कि धीरे धीरे मालूम हुआ को एक तरह से उनको बंदी कर लिया गया है वो उन लोगों के। ये बात मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ कि पूजा पाठ, पूजा उपासना, भगवान की प्रार्थना कई ढंग से होती है, लेकिन वो जिस रास्ते पर वो लोग चल रहे थे वो था भोग का मार्ग, भोग के मार्ग से, जिसको हमारे यहाँ पंचमकार कहते हैं, उसमें कई तरह की, जिसको आप कहें कि पतित प्रक्रियाएं हैं, जिनको हम कहें भोग की बहुत सारी प्रक्रियाएं। तो इनको जब पकड़ लिया गया और इनको बाहर जाने का प्रयत्न किया तो पता चला कि मैं तो बंदी हूँ। उनके जो गुरु थे वहाँ के महंत, उन्होंने बुला के कहा कि तुम ब्रह्मचारी हो, तुमने इतना संचय किया है, इतना अर्जन किया है कि अब उसका विसर्जन होना चाहिए। हम तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित करके उससे शक्ति प्राप्त करेंगे और उस शक्ति से हम भोग करेंगे। तो इनको लगा कि ये तो बहुत ही गड़बड़ मामला हो गया है। तो किसी तरह से एक वहाँ काम करने आने वाले लड़के के माध्यम से एक संदेश बाहर भिजवाया लीमड़ी के जो ठाकुर थे उनके पास, और उनके सैनिक आए और वो इनको वहाँ से छुड़ा के ले गए। तो लीमड़ी के ठाकुर ने कहा कि महाराज ऐसे ही जहाँ कहीं भी मत खड़े हो जाया कीजिए, मत ठहर जाया कीजिए, जो भी सन्यासी वेश में है सब लोग सात्विक नहीं होते, तो कहीं इसी तरह के संकट में आप पड़ जाएंगे तो जगह जगह आपको ऐसे अवसर नहीं मिलेंगे कि आपको छुड़ा पाए। तो ये किस विधि से उपासना हो रही है, साधना हो रही है, तपस्या हो रही है, उस पर भी बहुत बल है कि सात्विक तपस्या होनी चाहिए। तपस्या के नाम पर आप कुछ भी व्यभिचार करें और कहें कि ये तपस्या है, स्वामी जी इससे बहुत सावधान। स्वामी विवेकानंद गुजरात तक आ गए हैं और गुजरात के अभी एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये सारी यात्राओं में वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं जी, चाहे वो एक गणिका से सीख रहे हों, चाहे वो राजाओं से सीख रहे हों, चाहे वो उस समय जैसे नीची जाति ऊंची जाति की बातें होती थी, इन सबको देख कर सीख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद को यहाँ पर आकर क्या महसूस हुआ कि मेरे देश की या भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और उसको दूर करने के लिए मैं क्या प्रयास करूँ, और यात्राओं में जिसको वो हमेशा ध्यान में रखते हैं? मुझे लगता है कि ये जानने के लिए हमको छलांग लगा के हमको भी कन्याकुमारी पहुँच जाना पड़ेगा बीच का छोड़ करके, क्योंकि वहाँ जब ये समाधि में बैठे हैं और वहाँ से जब उठे हैं, अब 3 दिन 3 रात कहा जाता है कि समाधि में रहे, वहाँ से जब उठे हैं तो इन्होंने कहा 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि जगदम्बा और भारत माता में कोई अंतर नहीं। जगदम्बा की पूजा मतलब भारत माता की पूजा, जगदम्बा की सेवा भारत माता की सेवा, भारत माता की सेवा का अर्थ है भारत के वासियों की सेवा, भारत के जो लोग हैं उनकी सेवा। तब इनको याद आया कि इनके, इनको तब याद नहीं आया, मुझे उस संदर्भ में ये बात याद आती है कि इनके गुरु ने ये कहा था कि प्रत्येक जीव को शिव मानकर उसकी पूजा कर, प्रत्येक जीव को शिव मानकर उसकी सेवा कर और उसके प्रति कृतज्ञ हो कि उसने तुझे सेवा का अवसर दिया। ये सेवा के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है, जो मिशन आज भी मानता है, और इन लोगों ने भी, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने वही मार्ग दिखाया, उस रूप में उन्होंने कहा कि भारत की सेवा करनी है तो भारत के लोगों की कमजोरी कहाँ है। तो बोले कि 2 चीज़ें हैं, एक है अशिक्षा और दूसरी है निर्धनता। निर्धनता भी इसलिए है क्योंकि अशिक्षा है, अगर यहाँ की अशिक्षा दूर हो जाए, शिक्षित हो जाएं, तो निर्धनता भी दूर हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने कहा माँ का काम यही है, यही करना है मुझे, इसके लिए मुझे विदेश जाना होगा। विदेश जाने से पहले भी जब बहुत सारी चर्चाएं हैं कि लोगों ने कहा कि यहाँ क्या कर रहा, अमरीका जा, फ्रांस जा, इंग्लैंड जा, तो उस समय जिन लोगों से संपर्क हुआ और जिन लोगों ने इनसे कहा, पेरूमल वगैरह साधारण लोग भी थे, इनके शिष्य भी थे, लेकिन राजा महाराजा दीवान लोग भी थे, मैसूर के राजा थे, रामनाड के राजा थे और लोग थे, तो इन्होंने कहा कि ये इस देश के, जो मैंने जाना है कि इस देश के सारे धनाढ्य, सारे राजा, सारे जो बड़े लोग हैं, धन जिनके पास है, वो आत्म केंद्रित और स्वार्थी हैं। गरीबों के लिए उनके मन में तनिक भी करुणा नहीं है। अगर ऐसा कोई कर सकता है तो ये राजपूताना के कुछ राजपूत राजा, और उसमें अजीत सिंह, अजीत सिंह का पैसा सात्विक पैसा है,
उस पैसे को लिया जा सकता है, उससे ये काम किया जा सकता है। और मैं स्वयं विदेश जा कर के, अमेरिका जा कर के, सोने की लंका, हम रावण की लंका को कहते थे, इनके समय में सोना कहाँ था, सबसे अधिक धनी देश अमेरिका था, जाऊँगा और स्वयं कमा करके लाऊँगा। और मैं दो काम, दो लक्ष्य वहाँ पर उनके सामने थे। गुजरात में घूमते हुए भी ये बात आई कि भारत का ये जो रूप है, गुजरात में उस समय अकाल पड़ा हुआ था, डकैतियाँ हो रही थी, लोग मारे जा रहे थे, तो उनको सबको देख करके बहुत दुखी थे। जो इनके साथ जो सिपाही के रूप में चल रहा है, वो मौका देख करके डाकू बन जाता और किसी को लूट लेता है, इस तरह की स्थिति थी। वहाँ द्वारका में आकर के इन्होंने ये जब कल्पना की, ये वो भारत है, ये वो स्थान है जहाँ कृष्ण थे, इस सागर तट, सागर पर किस तरह से यादवों का के आप कहिए जलपोत चलते होंगे, यहाँ किस तरह से शिक्षा और धन संपत्ति सम्मान सब कुछ हमारे पास था, और आज क्या स्थिति है। वो भारत माता जो सोने की मूर्ति है, वो मिट्टी की मूर्ति बन गई हुई है। तो उस मिट्टी की मूर्ति को फिर से चमकाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि भारत का वास्तविक रूप विदेशियों को, जो हमको बदनाम कर रहे हैं, उनको बताया जाए। और इसीलिए एक वाक्य इनका वहाँ जो शिकागो में कहा था कि हिंद महासागर के तल में जितना कीचड़ है, यदि उसे अंग्रेज़ों के मुख पर मल दिया जाए तो कुछ भी अन्यथा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उससे अधिक मेरी माँ को बदनाम किया है। तो उस माँ के गौरव को प्राप्त करने के लिए, इस देश की जनता की सेवा करने के लिए शिक्षा और धन दोनों की आवश्यकता है। ये लक्ष्य लेकर, मान करके कि ये माँ का काम है, ये वहाँ उस ओर उन्मुख किए गए। जो अनुसंधान स्वामी विवेकानंद ने किया था और उसके जो नतीजे आए थे, वो आज भी वैसे ही। देखिए, शाश्वत सत्य तो यही रहता है। अब ये है कि समय के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, थोड़ा सुधार होता है। वो कहते रहे कि मुझे 20 लोग ऐसे मिल जाएं तो इस देश को बदल देंगे। आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि स्वामी विवेकानंद ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। उनका कहना था कि आप अपने चरित्र को सात्विक बना लें, आप अपने उसी चरित्र को प्राप्त कर लें जो प्राचीन भारत में, जो हमारा आदर्श है, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान उसी के मार्ग से हो जाएगा, कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहीं ध्वनि ये भी है कि आज देश को स्वतंत्रता मिल जाएगी तो तुम्हारा यही चरित्र रहा तो तुम उसको संभाल नहीं पाओगे, इसलिए पहले चरित्र को सुधारो और फिर अधिकार को प्राप्त करो। अपने देश को पहले उन्होंने समझा, अपने देश की रिसर्च की, उसके बाद बाहर निकले। अभी जब भी बात होती है परिव्राजक की तो कहते हैं कि वो दुनिया घूमने के लिए गए थे, लेकिन वो भी एक इंपॉर्टेंट पहलू था। तो कार्यक्रम में चलते चलते मैं जरूर चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि कैसी उनकी विदेश यात्राएं रहीं और उनको परिवर्तित करने में या उनकी सोच को बदलने में ये यात्राएं किस तरह से देखते हैं, इन यात्राओं को। देखिए, यहाँ से तो अमेरिका गए और वो भी जाने के लिए ये था कि लोगों ने कहा जाओ जाओ जाओ, तो इन्होंने कहा कि जब तक मुझे आदेश नहीं मिलेगा नहीं जाऊँगा, माँ जब तक नहीं कहेंगी। और उसके संकेत हैं कि किस तरह से इनको स्वप्न में दिखाई दिया कि गुरु समुद्र में खड़े हैं और कह रहे हैं आजा आजा इत्यादि, कुछ इस तरह की घटनाएँ हैं, जिसका मतलब ये है कि मैं अपने लिए नहीं जाऊँगा, माँ कहेंगी तो जाऊंगा, देश के लिए जाऊंगा, जो कुछ भी उसका लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए। तो यहाँ से अमेरिका गए, लेकिन जब अमेरिका पहुँचे हैं तो अमेरिका में इनका ये नहीं कि उनको बदलने, उनकी बदलने की बात तो बाद में आती है, पहले तो अपने पैर जमाने की बात। इनकी स्थिति वहाँ पर जो थी कि आपको कुछ किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, ना तिथि का ज्ञान है, ना आपके पास परिचय पत्र कोई है, ना वो तिथि है जिसमें आप अपना पंजीकरण करा सकें, पैसा आपके पास नहीं है, वहाँ उस मौसम में ठंड कितनी होगी इसका पता नहीं है। यहाँ से जगमल जो उनके राजा के दीवान थे, उन्होंने कहा राजगुरु हैं तो रेशमी वस्त्र पहना के भेज दिए, गर्म कपड़े नहीं थे, ठंड से ठिठुर रहे थे। और अब पेरुमल को लिख रहे हैं कि या तो यहाँ ठहरने का प्रबंध करने के लिए इतना धन होना चाहिए, नहीं तो वापस बुलाओ मुझे यहाँ तो। और थियोसोफिस्ट लोग कह रहे हैं कि लेट द डेविल डाइज डेथ, मर रहा है तो ठंड से मर जाने दो। लोग पीछे भाग रहे हैं, कपड़े नोच रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। इस तरह की स्थितियों में जाकर के हजारों मील दूर एक व्यक्ति पहले तो अपने आप को स्थिर करता है, फिर वो भी एक दैवीय यात्रा मैं मानता हूँ कि कैसे ये सब कुछ इनके पास। बॉस्टन गए, बॉस्टन से फिर ये मेडोज़ में पहुँचे,
और वहाँ से फिर एनी स्क्वैम गए, वहाँ इनको प्रोफेसर हेनरी जॉन राइट मिले, उन्होंने लिख करके जो इनको परिचय पत्र दिया उसके माध्यम से ये उसमें बोलने के लिए सक्षम हुए। एक बार बोलने के लिए खड़े हो गए तो जो कुछ इन्होंने कहा उसका प्रभाव बड़ा स्पष्ट, बहुत खूब। अब वही चीज़ जो जैसा लगातार डॉक्टर कोहली कहते रहे, पिछले एपिसोड में भी, इस एपिसोड में भी उन्होंने कहा, अपनी संस्कृति, अपने आप को, अपने अस्तित्व को, या अपने देश की संस्कृति और उसके अस्तित्व को समझने की कोशिश करते रहना चाहिए और उसी को दिखाने की या बताने की कोशिश स्वामी विवेकानंद ने इन तमाम जगहों पर विदेशों में जाकर भी की थी। डॉक्टर कोहली, ये यात्रा जो थी आपके साथ भी अवेकनिंग इंडिया की, ये बहुत शानदार रही और स्वामी विवेकानंद की यात्राओं के बारे में बहुत से ऐसे वृत्तांत, बहुत से ऐसे प्रसंग जानने को मिले जो देखने सुनने को नहीं मिलते या जिनके बारे में दर्शक नहीं जानते। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे यही सहयोग मिलता रहेगा और स्वामी विवेकानंद के बारे में हम आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। अवेकनिंग इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था अवेकनिंग इंडिया में आज का सफर, आज की यात्रा जिसमें हमने स्वामी विवेकानंद की यात्राओं के बारे में बात की। आपके सुझाव हमारे लिए हमेशा की तरह बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। awakeningindia.dd@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस, एक बार फिर आपको बता दें, awakeningindia.dd@gmail.com अपने ईमेल हम तक पहुंचाते रहें। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। मनुष्य सत्य चाहता है, वह सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है और जब वह सत्य की धारणा कर लेता है अपने अंतःकरण में, उसका अनुभव कर लेता है वेदों के अनुसार, तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं, तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी वक्रता सीधी हो जाती है।